आज हम बनाएंगे मसाला मैगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मेहरा और आपका मेरे किचन में स्वागत है। आपने और हमने कई बार मैगी बना के खाई है। अगर आप इस तरह से मैगी बनाओगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल को गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम एक बड़ी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसी में बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 7-8 करी पत्तों को डालेंगे और इन सभी सामग्री को हम तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो गई है और हमारी प्याज और मिर्च अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम सब्जियों को डालेंगे। इसमें हम शिमला मिर्च, गाजर, मटर को डालकर 2 मिनट तक पकाएंगे। हमें इन्हें अच्छी तरह से पकाना है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम टमाटर को डालेंगे और टमाटर को डाल के हम 2 मिनट तक इसे भी फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम मसालों को डालेंगे। हम 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक को स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम मैगी टेस्ट मेकर की 2 पुड़िया भी डालेंगे और इन पुड़ियों को डालकर हम सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। हमने मैगी के 2 पॉकेट लिए हैं। मैगी के 2 पैकेट पकाने के लिए हम 2 कप पानी लेंगे और हम पानी में उबल आने का इंतजार करेंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। हम मैगी को इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इन्हें चलाते हुए पकाएंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा मैगी मसाला तैयार हो गया है। इसे आप एक सर्विंग प्लेट में निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप भी इसे अपने घर में बनाएं और अपने परिवार को बना के खिलाएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।